जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, अ ट त ल अ, ये जो भी अक्षर है इसे अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, इसी अक्षर को वर्ण कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अनार आम का जो चार्ट होता है, ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग क्या होती है उसमें, उसमें हेडिंग होती है वर्णमाला। मतलब बहुत सारे वर्णों को जब हम एक साथ लिखते हैं, एक लाइन से लिख देते हैं, तो उन्हें माला कहते हैं। जैसे फूलों को जब हम पिरोते हैं तो एक साथ वो फूल आ जाते हैं, तो उन्हें फूलों की माला कहते हैं। उसी प्रकार वर्ण जब हम साथ में लिख देते हैं, अ से लेके ज तक, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। उसी वर्णमाला में से जब हम वर्णों को उठाते हैं, जैसे क म ल, तो बन गया कमल। तो ये कमल क्या बना, इसे हम शब्द कहेंगे। तो ये शब्द हमने कैसे बनाया, ये शब्द हमने वर्णों की सहायता से बनाया। वर्णमाला में से वर्णों को उठाया, एक क दूसरा म तीसरा ल, और तीनों को जोड़कर बना दिया शब्द, जो बना कमल। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा होगी सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब क हमने वर्णमाला में से उठाया, उससे छोटा और कुछ होता है क्या, नहीं, टुकड़े नहीं हो सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए कमल, कमल क्या है, यह शब्द है, कमल शब्द है। अब शब्द में से हम वर्णों को निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप एक बार बोल के देखो, क बोला, आप देखो जब आपने क बोला तो उसमें अ है क्या, क अ भी आ गया ना, मतलब क के अंदर अ भी है। ठीक है, तो हम इसके टुकड़े करेंगे, कैसे करेंगे, क, तो ये क में से हमने अ को निकाल दिया, तो क में से जब अ को निकालेंगे तो कैसे पता पड़ेगा कि हमने यहाँ पे क के अंदर अ नहीं लिखा। इसके लिए, ये पहचानने के लिए, इसके नीचे हलंत लगाएंगे, ये हलंत से हम पता करते हैं कि क आधा है, इसके अंदर अ नहीं है। ठीक है, ये हलंत लगाया तो पता पड़ा कि क में से अ निकाल दिया है, यानी आधा क है, ऐसा बना। जब हम क बोलेंगे तब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो क प्लस म, म के अंदर भी अ है। ठीक है, फिर ल, ल के अंदर भी अ है, तो क म ल, ये तीनों वर्णों को जोड़कर हमने बनाया कमल। ठीक है, अब ऐसा ही दूसरा हम देखेंगे, किताब। किताब में सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारे गले से आवाज आएगी उसे सबसे पहले लिख देना है। सबसे पहले हमारे गले में से क्या आवाज आ रही है, कि पहले क फिर ई, पहले मात्रा लगे
ठीक है, और शब्द के जब टुकड़े करें तो इसमें से निकाला वर्णों, तो इसे कहते हैं वर्ण। ये सबसे छोटी ध्वनि होती है, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, ये सबसे छोटा है, इसलिए कहा गया है सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है, अब ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आपने पढ़ा होगा, अ ट त ल घ, ये कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? जिसकी हम मात्रा लगाते हैं, वोवेल्स, उन्हें कहेंगे अ, ल, अ, आ, ई, ये सब स्वर है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे ऊ ऋषि तक, ए, आई, ओ, औ, ये ऋषि तक, ये सब है स्वर। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन होते हैं क, च, ल, ट, म, ये होते हैं व्यंजन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 33, 11 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब मैंने यहाँ लिख दिया था ना यहाँ पे अभी ज, ट, ट, ल, इसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णमाला जब हम लाइन से लिखेंगे अ, अनार से लेके ज, घ, नहीं, तब तो उसे वर्णमाला कहेंगे। ये तो केवल वर्ण है। ठीक है, ये होता है वर्ण विचार। अब एक बार हम रिवाइज करेंगे। हमने क्या देखा? वर्णों की सबसे छोटी ध्वनि, वर्णों की सबसे छोटी आवाज को वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी आवाज, सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों को जोड़ जोड़ कर हम शब्द बनाते हैं। शब्दों के जब टुकड़े करेंगे तो उसमें से वर्णों को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब होमवर्क में आपको मैं कुछ ऐसे वर्ण दूंगी, ऐसे शब्द दूंगी, कमल,